ग्लेशियल लैंडस्केप मेड बाय ग्लेशियर, द मोरेन्स, how bigger catchment area of this glacier was, you can imagine. Near Chatru, the army wala, and another glacier and fan, glacier fan. बेस कैंप टाइप लग रहा है ये तो, ऊपर से आ रहा है, ऊपर से देखो सारा आ रहा है। मोस्ट ड्रास्टिक एरिया जाना आपने तो, यहीं जाओ, यहीं जाओ है, पीछे को जाओ, क्या पहाड़ है। और ये जो इलाका है सबसे ज़्यादा ग्लेशियर वाला इलाका लगता है, जहाँ पे सारी की सारी पहाड़ियाँ इकट्ठी हो जाती है। दिखाना चाहेंगे आपको दोनों तरफ, बर्फ़ से लदे पहाड़। जब बर्फ़ नीचे उतरती है तो अपने साथ इन पहाड़ियों को काट के छांट के, जिसको आप डेन्यूडेशन कहते हैं, करके ये सारा का सारा मटेरियल पहुंचाती है नदी में। यहाँ पे आप एक लैंडस्केप देख रहे हैं जिसको फैंस कहते हैं। जब ग्लेशियर पिघल जाए तो उसके बाद ये मटेरियल सारा का सारा पीछे छूट जाता है। और ये वाला जो इलाका खासकर हमने देखा, अभी मोर देन 10 ग्लेशियर्स यहाँ दाएं बाएं से प्रोसीड कर रहे हैं नदी की तरफ। और इस नदी का पानी जो है इसे बढ़ा रहा है बहुत बुरी तरह से। आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा ग्लेशियर के द्वारा मटेरियल यहाँ पे इकट्ठा किया गया है। वेरी डेंजरस प्लेस टू लिव, यहाँ पे रहना तो मतलब ख़तरे से खाली नहीं है, लाइफ स्टेक पे हमेशा रहेगी। खासकर मैं ये दिखाना चाहता था, ये जो वैली बनी है पूरी की पूरी यू शेप्ड, ये बनाया है ग्लेशियर ने। और ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं दो इधर और उधर, इसके पीछे से आ रही है ये जो मेन ग्लेशियर है, और दाएं बाएं से दो चार ग्लेशियर और इसको ज्वाइन कर रहे हैं। रिपोर्ट मेड बाय राहुल नेगी, लेक्चरर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल करसोग, 29 June 2018, टाइम 7:05 मॉर्निंग AM। आई थिंक यू एंजॉयड दिस वीडियो, आगे भी इस तरह की वीडियोज़ आपको अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू।